बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा 9th क्लास की पेपर स्कीम, जिसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली हुई है अकॉर्डिंग टू SLOs, नॉलेज परसेंटेज, अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज और एप्लीकेशन परसेंटेज। इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। आपको सारा कुछ मैं समझा देता हूँ। अगर आपने वीडियो पूरी ना देखी तो हो सकता है कि आप लोगों को पेपर की समझ न लगे और आप लोग जो है सारा पेपर छोड़ें। ठीक है, आपको पेपर आता भी होगा लेकिन आप लोग जो है वो पेपर को छोड़ आएंगे। सो बात करते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस की। तो ये इस साल 2023 से जो है वो 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के बच्चों पर ये एप्लीकेशन जो है वो पूरी लागू होगी और इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। सारे पेपर नहीं आएंगे, सिर्फ जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली उन्हीं के अंदर जो है ये एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस का जो है वो पोर्शन लागू होगा। सो बात करते हैं सबसे पहले नॉलेज, जो आपकी बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं सेम टू सेम सवालात जो हैं वो सेम टू सेम जो आपके एक्सरसाइज के अंदर सवालात वगैरह हैं वो आएंगे। 50% जो है उनकी परसेंटेज रखी गई है। ठीक है, जो आपकी पेपर स्कीम है, जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर, मतलब सीधा सीधा सवाल है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ करें। ठीक है, इसी तरह मास और वजन में फ़र्क लिखें, ये सिंपल सिंपल सवाल हैं, सीधे सीधे नॉलेज बेस्ड सवालात हैं। जो 50% इस तरह के सवालात होंगे, इसी तरह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ सवालात ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को खुद सोचना होगा किसका ये आंसर हो सकता है। जैसे वो सवालात हैं कि जी की वैल्यू ऊंचाई बढ़ने से या बुलंदी के साथ क्यों बढ़ती है, ये इस तरह के सवालात जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ जानना है आप लोगों के लिए कि आपका पेपर जो है वो किस हिसाब से आएगा। इंशाल्लाह अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने करना क्या है, नॉलेज के लिए आपने एक्सरसाइज के जो बुक के सॉरी छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, उन्हीं में से आपका तकरीबन पेपर जो कवर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने साइड बॉक्सेस, ठीक है, साइड बॉक्सेस बहुत सारे चैप्टरों में साइड बॉक्सेस लिखे हुए हैं, उनमें से आपका तकरीबन अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन आपके हर चैप्टर के पे साइड बॉक्स होता है, जैसे वो पैराट्रोपर वाला है, ठीक है, ग्लाइडर वाला है, वो लिडार गन वाला है। ठीक है, वो सारे चीज़ें जो हैं वो ये अंडरस्टैंडिंग बेस के अंदर आती हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस के सवाल जो है पूछे जाएंगे कि जो भी आपका टॉपिक है उसके कहाँ पर इस्तेमालात हैं, ठीक है, उसके यूजेस क्या हैं, जैसे पास्कल है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, हाइड्रोलिक प्रेस आ सकता है उसका, इस तरीके से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमें किस तरीके से मदद करता है कि हम लोग ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो सवालात वही हो गए, सारा कुछ वही होगा, सिर्फ सवालात पूछने का जो तरीकाकार होता है ना वो उनका चेंज होगा। सो आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपने एक्टिव होकर पेपर देना है। अगर आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरीके से ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस आएगा, तो भाई आप लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग आगे चलते हैं पेपर स्कीम की तरफ। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इतना भी टफ पेपर नहीं होता, पेपर बिल्कुल आसान होता है, सिंपल आपने याद करना है। आपको याद क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई हैं, लेकिन इस पेपर स्कीम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें मैं जो है लास्ट पे आपके साथ शेयर करता हूँ। सो चैप्टर नंबर 1 MCQs की ये तकसीम है, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ये सेम टू सेम है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक आधे चैप्टर के अंदर से 2 MCQs आ जाएँ या एक आधे चैप्टर में से जो है वो कोई MCQs ना आए। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो आपको मैंने चैप्टर बताए थे 1, 5 और 9, इनमें से 2-2 MCQs आ जाएंगे, तकरीबन 6 नंबर के MCQs इनमें से हो जाएंगे, बाकी MCQs की डिवीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे होकर जब आप लोगों से पूछ ली जाएगी। सो अभी बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, जो पहला चैप्टर है उसमें से 3 आने हैं। शॉर्ट सवालात आपको मैंने बताए हुए हैं, वर्नियर कैलिपर का सारा पोर्शन आपने छोड़ देना है, उसका लिस्ट काउंट वाला कर लें, उसकी डेफिनेशन कर लें पास। इसी तरह स्क्रू गेज है, उसकी डेफिनेशन कर लें, लिस्ट काउंट कर लें और उसकी पिच की तारीफ कर लें पास। सारा कुछ छोड़ देना है, कोई चीज़ नहीं आपने करनी, नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो एक्सरसाइज का अंदर सवालात हैं, सॉरी पहले चैप्टर के, अब वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने, उन्हीं में से मोस्टली सवालात आपके पूछे जाएंगे। इसी तरह दूसरा चैप्टर है, तो ये दूसरे में से 3 आएंगे और तीसरा जो है उसमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहला डब्बा आपका आसानी से हो जाएगा, 8 नंबर 8 सवालात आने हैं, आपने इनमें से एनी जो है 5 अटैम्प्ट कर लेने हैं। सो इसी तरीके से दूसरे डब्बे की तरफ चलते हैं, चौथा, पाँचवा और छठा। ये पाँचवें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, मोस्टली कह लें कि 90% ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके अंदर पाँचवें में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस पाँचवें में से आप लोगों के लिए
तीन शोर सवाल आएंगे, तकरीबन 6 नंबर के आपके शोर सवाल इसमें से आएंगे, ठीक है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 3 आएंगे। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 और 5 याद कर लेते हो तो आपका ये भी डब्बा हो जाएगा, इसी तरह चैप्टर नंबर 1 और 2 याद कर लेते हो आपका ये डब्बा भी हो जाएगा। मतलब 4 चैप्टर करके आपके 20 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे शोर सवाल आपके। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7, ठीक है, वो प्लाज्मा वाला है आई थिंक ये वाला। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9, इनमें से 3 3 सवाल आने हैं और सवाल इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ज़्यादातर सवाल जो हैं वो नॉलेज बेस्ड होंगे, ठीक है, सीधी सीधी वो डेफिनेशन पूछ लेगा या उनका फ़र्क पूछ लेगा, और एक आधा जो है उनका इस्तेमाल पूछ लेगा, बस इन्ना फैतने, ठीक है, और इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्चुअल बेस है, ये मैं आपको समझा भी देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल बेस है, जैसे वो आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर है कि जी की कीमत अगर एक हम ज़मीन के रेडियस के बराबर चले जाते हैं तो ज़मीन का जो ग्रेविटेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, छोटे जी की वैल्यू पे 1/4 हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके के सवाल आप पूछे जाएंगे अंडरस्टैंडिंग के अंदर, मोस्टली ये आपकी एक्सरसाइजेज के अंदर से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो भाई ये भी ये देखिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और 9 करके जो है आपके ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा कवर हो जाएगा। 5 कर रहे हैं लेकिन आप लोग 6 6 कर रहे हैं, एक एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तकरीबन आपको मैंने पहले बताया 6 चैप्टर आपने करने हैं, 6 चैप्टरों से ही आपका पूरा पेपर हो जाएगा, लेकिन शर्त है वही है, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, याद तो करना है ना, लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग सवाल आता है, 3 आने हैं, आपने इसमें से 2 करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 5वें चैप्टर में से हमारे बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ठीक है, जो पिछली स्कीम मैंने दी थी उसके अंदर मैंने आपको नहीं बताया था कि 5वें चैप्टर में से आएगा। सो मैं आपको बता देता हूँ, एक आधा सिर्फ एक ऐसा बोर्ड है जो कि गुजरांवाला या सरगोधा का बोर्ड आई थिंक, उसके अंदर 5वें चैप्टर में से आता है, लेकिन मोस्टली 50 कह रहा हूँ 80-90% ऐसे बोर्ड्स हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, ठीक है, रावलपिंडी का है, डीजी खान बोर्ड है, उनके अंदर 5वें चैप्टर में से नहीं आता। फर्ज कर ली उसमें से आ भी जाता है तो मैं आपको इसके लॉन्ग सवाल जो है वो अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा, आप लोग सिर्फ 2 या 3 लॉन्ग सवाल होंगे उनको याद कर लेना, आपका पेपर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आपने पहले ये चैप्टर तैयार कर लेने हैं, इनके अंदर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से लॉन्ग सवाल करने हैं। जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे, देखें आते सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, फिर आएँ यहाँ पे वीडियोज़ के अंदर। जैसे ही आप लोग वीडियोज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखें मैंने पेपर के अंदर बाकायदा आप लोगों के लिए ये देखें, ठीक है, यहाँ से वीडियो को लाइक कर दें लाजमी, और अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट्स के अंदर पूछ लें आप लोग जाके, लाजमी तौर पर ये देखें मैंने बाकायदा बुक खोल के जब आप लोगों को बता दिया है, निशान बाकायदा मैंने लगा के दिए हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लाजमी तौर पर इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके अलावा और भी काफ़ी 2 से 3 वीडियोज़ मैंने और भी अपलोड कर रखी हैं जिनके अंदर मैंने बहुत चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये MCQs हैं, MCQs मैंने अपलोड कर दिए सारे, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों ने चाहिए MCQs वगैरह देख भी लिए होंगे, और इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला आपका मोस्टली पेपर जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरीके से जो दूसरा लॉन्ग होगा आपका, ठीक है, सो चैप्टर नंबर 4 90% चांस है चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, और 10% चांस है कि आपका चैप्टर नंबर 5 में से स्कीम में से पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगी ये अलहदा बात है, लेकिन मोस्टली जो है जो मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से थ्योरी आती है, 3 में से जब न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, ये 2 जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला है, इसमें से ज़्यादातर ये थ्योरी वाला आता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 6, 4 में से जो है वो थ्योरी मोस्टली आ जाती है और 6 में से जो है लॉन्ग आ जाता है जो लिखने वाला न्यूमेरिकल, सॉरी। सो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है, बाकी मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग चाहें तो ये आखिरी चैप्टर छोड़ सकते हैं, इनको चॉइस के अंदर छोड़ दीजिएगा, आपने सिर्फ ये चैप्टर अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये नीचे नोट है, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो पहले 2 से 6 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक अच्छे तरीके से याद कर लो पूरा पूरा चैप्टर, 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, पेपर आके मैच कर लेना, इसी स्कीम के हिसाब से आपका पेपर आएगा, और इंशाल्लाह आपके 2 डब्बे जो हैं अब 6 चैप्टरों में से शोर सवालात ख्याल हो जाएंगे, ये जो 5 चैप्टर है, ठीक है। और इसी तरह जो आखिरी शोर क्वेश्चन के 2 डब्बे होते हैं, या आखिरी जो भी आपके 2 से 3 चैप्टर हैं उनके सिर्फ मशकी सवालात आपने कर लेने, मशकी सवालात में से आपका सारा पेपर हो जाएगा। तो भाई ये पेपर स्कीम थी, आई होप आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और लाजमी तौर पर इन चीज़ों को देखा करें बिकॉज स्मार्ट स्टडी से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको मजीद कामयाबियाँ दे, और अल्लाह करे सबके
पेपर बहुत अच्छे हो जाएं और पेपर आसान आए। और हमेशा दुआ की आपके लिए कि भाई आप लोग अच्छा अच्छा पेपर दे के आएँ, सो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।